अब्दुल्ला के सियासी सफर को देखते हैं। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार की शुरुआत हो चुकी है। गांधरबल और बडगाम सीट से चुने गए नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले 2009 में उमर अब्दुल्ला 38 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर के सीएम बने, जबकि 2015 में वे जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने। 1999 में उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भी रहे। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश राज्य मंत्री बने। वही उमर अब्दुल्ला ने 1998, 1999 और 2004 में तीन बार श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1998 के लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस उम्मीदवार आगा सैयद मोहदी को 70,839 मतों के अंतर से हराकर श्रीनगर सीट जीती। 1999 के लोकसभा चुनाव में उमर ने निर्दलीय उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती को 36,859 हरा कर अपनी सीट बरकरार रखी, जबकि 2004 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एडवोकेट गुलाब नबी लोन को हरा कर फिर से निर्वाचित क्षेत्र में कब्जा जमाया। और अब फिर से उमर के हाथों पूरे जम्मू कश्मीर की बागडोर आ गई है।